বাই নদী তারে রং বিরঙের শাড়ি পরে রং বিরঙের শাড়ি পরে। জোহার ঝাড়খণ্ড, জয় ঝাড়খণ্ড। ভারত দেশ झारखंड राज्य विविधताओं के देश, विविधताओं के राज्य, अनेकताओं में एकता, यही अगर खूबसूरती। कहीं ओणम, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, तो कहीं बैसाखी, तो कहीं टुसु, तो कहीं करम, एटे भारत देश और राड़ क्षेत्र के खूबसूरती। आज ओकरे करम में विशेष चर्चा करबई टुसु पर्व के बारे। टुसु पर्व के बारे चर्चा एह खातिर कि आज बीते कुछ सालों में अगर बात करल जाए तो जन लोग गिलाई टुसु पर्व कर हलय, अखनी धीरे धीरे बाहरी लोग से मेल मिलाप होवे के कारण, अखनी से जुड़ाव होवे के कारण, अखनी से व्यापार व्यवहार करे के कारण अपन संस्कृति भुलाई के और अखनी संस्कृति के अपन आंगना अपन घर भीतर ढुकाय दिले, एकर से नुकसान तो हेवे करले। तो सही खातिर टुसु के चर्चा होना चाहिए, क्याकि बीते जो कुछ साल बीतलै हमनी के बीच जकर में हिया के लोग जन लोग गेलाइन टुसु कर हला, ओखने खुद जानकारी ना आई कि टुसु का उद्देश्य की, टुसु की आधार पे भेव है। तो सही खातिर आज थोड़ा चक्कर में चर्चा होना चाहिए। हाँ, इटा माना है कि व्यापार के माध्यम से, नौकरी चाकरी के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से हमने बहुत सारा बाहरी लोग के संपर्क में लिए और हमने भोला भाला सरल लोग ओखने गिला के धैर्य ले लिए और अपन गिला के साइड कर दिलिये। तो सही खातिर आज थोड़ा सा टुसु बात करबे। ऐसे बहुत जाने आए कहा लतो कि टुसु कोई राजा के बेटी, कोई जमींदार के बेटी, इस तरह के कहानी सुनवा लतो, लेकिन वास्तविकता इगला नहीं लगे। ई खातिर नहीं लगे कि यदि वो राजा के बेटी रहते लगे तो आज ही बहुत सारा राज परिवार है वहाँ टुसु पर्व नहीं भेव है, अखने टुसु पर्व नहीं कर है। तो भाई टुसु पर्व कर है क्या? न मूल रूप से टुसु धान एक पर्व लगे, तो धान के अर्जन कर है न किसान चासा, तो इटा मूल रूप से कहल जाए चासा घर एक पर्व लगे, किसान एक पर्व लगे, क्योंकि टुसु का मतलब लगे धान। टुसु जो पर्व हमने कहा है तो टुसु पर्व टुसु को मनाल है और धान टा के मनाल गया एक मुठा धान के। अब कैसे से ध्यान दिया, सबसे पहले रहन मासा वो है जखन पहली बार किसान एक घर से धान टा बाहर देवो है। 15 दिन जेठ रहन कर किसान अपन खेत कर एगो कोना भेवो है विशेष, ओकरा शायद उत्तर पूर्व कोना कहल जाए खेत तक, तहां उ कोड़ी के हार ज्योति के धान टा के दई के यार मर दे दे, यानी माटी के तरह ओकरा सुरक्षित करी दे। यानी पहली बार किसान एक घर से धान कखन बाहर आयल है रहन मासे, विधि विधान से बहरल है, बिहान एक समय लगल, नियम से लय के किसान बहरल है खेत, ओकरा महामाई मान के सुरक्षित कर दल, संरक्षित कर दल माटी के तरह। अब की भेल है खेती कर लय, धान रोपल आर काटे के दिन आई गल, तो काटे के दिन कखन ए अघन मास, ए अघन मासे कचकचा के धान काट लय, अपन धान के खरिहान ढुकैल, खरिहान मरल मचल और ओकर बाद घर ढुकैल। लेकिन ओकर से पहले ध्यान दिया, जितना चाचा घर गिदर आ जितना खेते काम करला ध्यान दिया, कोनो भी न कोनो खेत एगो न एगो कोना मन किसान तीन मुठा धान काटे के नहीं, उटा छाड़ी देख, उटा के हमनी खेत से जखन रखते और धानी कहल जाए। किसान प्रत्येक किसान में राड़ संस्कृति क्षेत्र में जहां तक हमनी जानकारी है, प्रत्येक किसान अपन खेत टाकर एगो कोनाई तीन गो बाइल नियर, यानी तीन गो मुठा नियर धान के छाड़ी के या तो कर में माटी से तोपी देख या फिर केव कोई झोड़ गाजाड़ या कांटा के माध्यम से उठा के तोपी के राखी देख। ओह दिन खातिर जखन खरिहान सब धान के मर के मैस के घर ढुकाए से दिन देखे डीनी के माध्यम से धान टाके फिर लय के आवे, मुड़े लादी के नियम से बेरा डूबले उ लय के आवे। यानी साफ शब्द में कहल जाए रहन मासे जन धान टा किसान घर से पहिल बेर बाहर आय लले ओह धान टा ओकर अघन मासे ढुकी गेले। तो धान एक तरह से धान के पालन पोषण के करले, रोपले जोतले कोड़ले के किसान, तो एक तरह से धान टा बेटी स्वरूप भेले और किसान ओकर पालित पिता पालन करता के रूप में यहाँ स्वरूप में दर्शन दे रहले। तो जखन किसान के जीवन में खुशी कखन, राजा के जीवन में खुशी कखन, जखन राज जीत ले हले, कोई व्यापारिक जीवन में खुशी कखन, जखन बहुत सारा धन कमाई ले हले। तो किसान के जीवन में सबसे ज्यादा आनंद के विषय कखन, न जखन ओकर धान टा घाट डुकी जाए। कभी भी देखिया कि ना एगो चिंता लग है कि पानी अते न की भेतै, दू माड़ा खरिहाने धान टा है, तो सही खातिर जखन धान टा ओकर घाट डुकी जाए सबसे खुशी के पल किसान के भेव है जखन धान ओकर घर समाय जाए, मरल बाद मैसल बाद जखन धान घर भीतर करी, तो सही अघन मासे भेव है। ओहटा खेते जब दू तीन मुठा धान छोड़ है और डीनी कल जाए, डीनी खूब से दिन आना है और डीनी कर जब धान बेव है, तो चूंकि धान ओकर सब ढुकी गले घर, किसान के घर हर्ष उल्लास आई गले,
मने उमंग के मौसम है तखन किसान एक बेटी छुआ गिलाय सोभिन अपन अपन घर में जे डिनिट आयल है लास्ट एक तीन मुठा धान टा ओकर पांच गो छ गो बाइल लेके एगो विशेष घर है साफ सफाई करके आर तोर जाके एगो सारवा भेव है ओकरे में जाके धान गिला के माध्यम से निपाई पुताई करके गुड़ी के माध्यम से नियम लगाए धूप दिया करके सुसु मणि कर स्थापना कर ध्यान दिया जखन खेत तय होले तीन मुठा गिला बाली गिला तखन ओकरा धानी कहल गेल होले आर जखन हो बाली गिला फिर किसान है अगहन संक्रांति दिन घर ढुकाले डिनी के माध्यम से तखन ओकरा डिनी कहल गेल खेत में धानी जखन घर लेके आयल खरिहान तखन डिनी और वह डिनी कर धान गिला लेके जखन स्थापना कर लथिन बेटी छुआ गेलै एगो विशेष घर में तखन ओकर नाम देलै टुसुमणि। तो ओ भए गेलै किसानक एगो बेटी स्वरूप किसान घर ढुकल है हर्ष उल्लास उमंग गीत संगीत नया नया पीठा पकवान छिलका रोटी मने एक महीना गादम गादम किसान घर खूब चललै कहे ना धान स्वरूप बेटी मान ले ओकरा धान ओकर जीवन के सबसे खुशी के विषय ओकर घर समायला है एक महीना खुशी भेलै अब भाई विदाई तो हेतै ना बेटी कर मान्यता हटाओ तो आय कि बेटी के विदाई दिए हतो तखन जखन विदाई भय लगलै तखनो फिर बावड़ी दिन पुआ पकवान खूब बनलै और ओकरा विदाई खातिर वह किसान के बेटी गिलाय ओकरा पालकी सजाई के नदी धार तक यानी पानी के जहाँ स्रोत है तहाँ लेके ओकरा विदाई देलै। अभी तक बहुत जाने हमनी हो खासकर हमें अगर अपन बात करबो अपन जितना हमारे सर्किल के संगी साथी हो ओखनी की बात करबो तो हमने आज तक टूसरु के मतलब और जो चोड़ल टा हो जकरा पालकी कह सकल है चाहे देखिए मोहर्रम पर्व में मैंने ओखनी ताजिया के नाम देते तो ऐसे एगो स्वरूप है वह तो और हमने सोचा ली कि एक्चुअल में टूसू टाला लेकिन वास्तव में टूसू ना भाई के उठा चोड़ल लगे वो टूसू कर बाहन लगे टूसू का एक तरह से पालकी लगा टूसू अगर मैं एक मुठा जो धान रहे सेटाई टूसू लगे तो मैंने टूसू टीचू की बेटी मान्यता भलाई तो बेटी विदाई पालकी भेवे तो चोड़ल टकर पालकी भलाय और विदाई कहाँ भेवे ससुर घर तब गीत है पानी हेले पानी खेले पानी तोर के आहो मनक भीतर बोझे देखी पानी ससुर घर आहो यानी बात से स्पष्ट है मान्यता है कि धान में अंकुरण कखन भेव है ना जखन में ओकर में पानी के मात्रा पानी के स्पर्श भेव है अंकुरण होना यानी धान के माँ बनना यानी शेषन हमनी संतान उत्पत्ति भेव है तो बेटी संतान उत्पत्ति कहाँ करतो ससुर घर जाके तो सैन यार मान्यता है कि पानी के स्पर्श मिलते तभी जाके धान में अंकुरण भेत यानी धान कर ससुर घर भेल पानी तो हट एगो रिवाज के माध्यम से एगो रीत के माध्यम से एक महीना घरे रख लै ओकर बाद फिर ओकरा चोड़ल के माध्यम से पालकी के माध्यम से एक मुठा धान बीचे रहे सेटाई वास्तव में टुसू कल गेलै और ओकर फिर विदाई भेव है कहाँ ना पानी धार तो सेटाई एगो नियम लगे यानी स्पष्ट शब्द में जे टुसू पर्व है धान आधारित पर्व लगे धान कर भीतर जे एनर्जी है ऊर्जा है शक्ति है ओकरे नमन बंदन के एटा पर्व लगे और एटा मूल रूप से चासा लोग के करथिन क्योंकि चासक समय यही पर्व टा भेव है जखन ओकर घरे सब धान धुकी जाए।